जब किसी इंसान पर हुनर और किस्मत दोनों हो तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही एक किस्सा आया है पश्चिम बंगाल से, जहां एक ट्रेन में गाने वाली महिला रातों रात इतनी मशहूर हो गई कि उसको लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से गाना गाने के लिए बुला रहे हैं। बंगाल के बारापेटा टाउन के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली महिला रातों रात इतनी फेमस हो गई कि उसे आज हर कोई जानता है। जहां इस महिला के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हो पाते थे, वहीं अब ये बिल्कुल मॉडल की तरह लग रही हैं। बंगाल के रानाघाट पर गाना गाने वाली इस महिला का नाम रानू मंडल है। जब ये लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी, तब इनका वीडियो किसी ने बना लिया और उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। इस वीडियो को शेयर करने के कुछ घंटे बाद ही इसको 40 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके थे और 63,000 से ज़्यादा लोग शेयर कर चुके थे, जिसके बाद तो इन्हें गाना गाने से लेकर अपना खुद का एल्बम बनाने तक के ऑफर आने लगे, और वो भी सिर्फ भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर के राज्यों से भी। मुंबई, कोलकाता, केरल और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से लोग उन्हें गाने के लिए बुला रहे हैं। और यही नहीं, उन्हें तो जी टीवी के फेमस शो सारे गामा पा में भी गाने के लिए शो के ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया है, और तो और शो के ऑर्गेनाइजर्स ने ही उनका मेकओवर भी करवाया है। फिलहाल रानू ने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ भी क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन वो सारे गामा पा में जरूर हिस्सा लेंगी। अब देखना ये होगा कि वो सारे गामा पा में कब आएंगी। लेकिन जिसने भी कहा है, सही कहा है कि किस्मत बड़ी अजीब चीज़ है, किसी को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा देती है और किसी को आसमान से ज़मीन पर। हम आपको बता दें कि रानू मंडल की शादी मुंबई में बाबुल मंडल से हुई थी। उनके देहांत के बाद वो अपने घर रानाघाट वापस लौट गई थी और अब वो फिर से मुंबई जा चुकी हैं। कहते हैं ना, किस्मत बड़ी अजीब चीज़ है। आपको क्या लगता है कि क्या रेनू गाना गाएंगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।